Welcome everyone. Hope so you have some lucky talk on me if it follow me. Rich is here. तो जैसे कि रमजान का चांद अचानक नजर आया था, इसी तरह हम भी अचानक आपकी खिदमत में पेश हुए। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि शायद ये कहीं से मसाले मांगे ला ये, तो ऐसी कोई बात नहीं, जरा प्रोफेशनल बन गए ना हम, तो ये काम ही हम प्रोफेशनल करते हैं। तो ये मैं मांग के नहीं लाई हूँ, ये अपनी आसानी के लिए मैं रखे हुए हैं अपने घर के मसाले, मांग के नहीं मैं लेके आई। तो यहाँ पे अब मैंने सोचा कि मैं आपको एक और मज़े की रेसिपी आप लोग को बताऊँ जो मैंने आज ट्राई की थी। रमज़ान मुबारक, वो तो मैं कहना भूल ही गई, रमज़ान मुबारक, क्योंकि चांद अचानक आया था ना, तो इसलिए मैं भी अचानक आई हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, सारी जो स्पाइसेस हमने ली हैं वो आपने एक क्वान्टिटी की लेनी है। यहाँ पर हमने लिए कलर, फूड कलर, मिर्च, नमक, वो सूखा धनिया, गरम मसाला, जीरा पाउडर, ये सारे आधा आधा चम्मच, अंडा डाला हमने एक, और जो है ना मिर्चें, वो हरी मिर्चें हमने जो है ना क्रश की हैं, दो तीन पाँच छः छोटी छोटी, और फिर इनको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स बहुत अच्छे से करना ताकि ये सारे स्पाइसेस इकट्ठे हो जाए। आप लोग कोई भी फूड कलर डाल सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कोई कि मटन जनी बन जाए। तो यहाँ पे हमने लिया है आधा किलो जो है चिकन, और इसको ये लंबे लंबे नहीं थे कटे हुए, इतनी सहूलत नहीं है यहाँ पे, तो खुद काटने पड़ते हैं, बोनलेस लें और उसको लंबे लंबे काट के इसके अंदर फेंकना शुरू कर दें। और फेंकने के बाद इसको आपने अच्छे से मिक्स करना ताकि जो है ना बेचारी मुर्गी के जख्मों पे मसाले सारे चमड़ जाएँ अच्छी तरह। मसाले वगैरह मिक्स करने के बाद हमने इसको जो है ना आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रखना है, और मैरिनेट आधे घंटे के लिए करना है। और फिर अगली तरफ हम जाते हैं इसकी सॉस बनाने, सॉसेस वो बनाते हैं। पहले हम लोगों ने मायनेस डाली है, ये मायनेस बहुत काम काम से निकल रही थी, निकलने का नाम ही नहीं ले रही, शायद इसको भी रोज़ा डाल रहा था। मायनेस डालने के बाद हमने लेना है, मैं तो आप लोगों को नाम बताना भूल गई, इसको कहते हैं मायो गार्लिक सॉस। गार्लिक डाली है, पेस्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इसके अंदर पाउडर डाल दिया। तो ये आप लोगों ने एक चम्मच डालना है, और उसके बाद आपने एक लेमन लेना है, उसका जूस निकाल के वो डालना है इसके अंदर। फिर इसके बाद आप लोगों ने काली मिर्च डालनी है आधा चम्मच, और नमक भी डालना है, अगर डालना हुआ तो डाल लेना, मैंने नहीं था डाला क्योंकि मुझे याद नहीं करा। और हल्दी भी डालनी है, वो मैं आपको बताना भूल गई पीछे, हल्दी भी डालनी थी चिकन के अंदर आधा चम्मच। मतलब सारे स्पाइसेस जो है ना घर में, वो सारे उस चिकन के अंदर आप लोगों ने फेंक देने हैं। अगर आप चिली फ्लेक्स भी डालना चाहते हैं तो डाल लें, लेकिन ना डालें क्योंकि लाल मिर्च हमने डाली है, हरी मिर्च डाली है। ये हमारी सॉस तैयार हो गई है, और अब हमने इसकी कोटिंग, चिकन की कोटिंग के लिए हम लोगों ने लेनी है रोल पट्टी। रोल पट्टी हाँ, उसको हमने हाफ ऑफ करना है, बस आप लोगों ने ना इसकी पट्टियाँ लगाओ अलग कर लेनी है, और फिर जैसे चाहें जिस तरह मर्जी चाहें आप लोग इसको काट लें। और ये करिए लंबी लंबी थ्रेड्स टाइप, और ये थ्रेड जो है, और इस रेसिपी का नाम हमने रखा है क्रिस्पी थ्रेड चिकन, क्योंकि थ्रेड्स लगाने हैं। तो अब ये जब मैरिनेट हो गई है तो हमने इसको थोड़ा सा हिलाना है ताकि ये खुश खुश ना हो, क्योंकि इसके ऊपर हमने डायरेक्ट इसको उठा रहे हैं, उठा के हमने इसको डाला हमने इस थ्रेड्स के ऊपर, और फिर इसको अच्छे से दबा देना, तो इसको इसके ऊपर चिपका देना, ईजिली चिपक जाएंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है काम। तो फिर यहाँ पे आप लोगों ने बारी बारी सारे पीसे ले रहे हैं, और उनके पर थ्रेड लगाना शुरू कर देने, थ्रेड्स पट्टियाँ, और फिर इसको अच्छी तरह पट्टी करनी है, क्योंकि हमने जख्मों पर नमक मसाले लगाए थे ना, तो अब तक पट्टियाँ भी तो करनी है। फिर हमने इसको फ्रीजर में रख देना है, और फिर जब आप लोगों ने फ्राई करनी है तो इसको उठा के आप लोगों ने फ्राई करना शुरू कर देना। भाई हम तो प्रोफेशनल बंदे ऐसे ही काम करते हैं। हमारी रेसिपी हो गई है तैयार।